हे गाइस, दिस इज जियान। यू आर वॉचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो रहेगा पूरा डिटेल्स में जॉब अपडेट वाला, जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब अपडेट दूंगा जो प्रेजेंट टाइम में हम लोगों के पास में कौन सा काम चल रहा है, कौन सी जॉब चल रही है, उसका मैं आज आपको अपडेट देने वाला हूँ डिटेल में। वैसे अलग अलग जॉब का अलग अलग वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, फिर भी काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कॉल करके पूछते रहते हैं, सर अभी कौन सा काम चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, सैलरी क्या रहता है, टाइमिंग क्या रहता है। वो सारा का सारा अपडेट आज मैं आज इस वीडियो में आपको अपडेट करूंगा। तो सबसे पहले सबको, हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को हैप्पी गांधी जयंती, गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हमेशा गांधी जी की तरह ही संयम और सच्चाई के साथ काम करें और अपनी लाइफ में एंजॉय करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आज की जो जॉब रहेगा वो फ्री वाले, जो रहना खाना फ्री है उससे जो मैं स्टार्टिंग करूंगा। काम रहेगा होटल में। होटल में अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोगों के पास में 6 से 7 रिक्वायरमेंट आई हुई है अलग अलग लोकेशन से। 6 से 7 रिक्वायरमेंट मीन्स 6 से 7 जगह होटल में। रिक्वायरमेंट तो वैसे जो है 30-40 कैंडिडेट्स की है, लेकिन 6 से 7 होटल्स में अभी जो रिक्वायरमेंट आई हुई है, रेस्टोरेंट है, किचन किचन है और होटल्स है। इसके अलावा क्लाउड किचन का रिक्वायरमेंट तो अलग ही वैकेंट है अभी तक, जहाँ पे 100 से 200 रिक्वायरमेंट है बंदे लोगों की। तो सबसे पहले होटल में, फ्रेंड्स देखिए, होटल ऐसा एक इंडस्ट्रीज है जिसमें आप लोगों को अनपढ़ को भी काम मिलता है, पढ़े लिखों को काम मिलता है, एक्सपीरियंस वाले को काम मिलता है, नॉन एक्सपीरियंस वाले को भी काम मिलता है। प्लस इसमें जो है रहना खाना पीना सब कुछ फ्री रहता ही रहता है, क्योंकि होटल है तो वहाँ पर खाना पीना रहना तो होता ही होता है। तो शुरुआत में सैलरी से बात करूँगा तो हेल्पर कैटेगरी में जो क्लीनर वगैरह है और जो साफ सफाई करने वाले हैं और जो हेल्पर हैं, उनकी जो सैलरी रहेगी वो 12,000, 13,000, 14,000, तीन जो है सैलरी से चालू होता है। तो मान के चलिए 12,000 ही शुरुआत रहेगा सैलरी आपकी, 12,000 से शुरुआत रहेगी हेल्पर की, क्लीनर की। रहना खाना पीना सब कुछ फ्री रहेगा। ड्यूटी आवर्स जो रहेगा इसमें 9 से जो है 10 घंटा रहेगा, कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है। और रहना खाना बिल्कुल फ्री रहेगा और जॉब तो बिल्कुल ही फ्री रहता है। इसके अलावा सैलरी की डेट जो रहती है 1 तारीख से लगाकर 5 तारीख तक रहती है। एज लिमिट की बात करो तो मिनिमम 18 चाहिए, मैक्सिमम आप चाहे 30-35 के क्यों ना हो, क्लीनर में जो है चल जाता है। आगे जो है वेटर का काम रहेगा, जिसको एक्सपीरियंस 6 महीने से लगाकर 1 साल 2 साल 3 साल है, उसकी सैलरी जो है डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस 13 से चालू होगी। 13, 14, 15, 16 तक सैलरी देखने को मिलेगी इसमें। प्लस रहना खाना पीना सब कुछ फ्री रहेगा। और हाँ, ESI PF की फैसिलिटी नहीं रहती है इसमें। और टाइमिंग सबका सेम रहता है, हफ्ते का छुट्टी रहता है, रहना खाना फ्री होता है। ये रहा वेटर का। इसके अलावा सेफ की सैलरी रहती है 20,000 से लगाकर 25,000, समझ लीजिए 25,000 से ही शुरुआत है। 25,000 सैलरी रहेगी। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, तंदूरी, चाइनीज, जो भी सेफ है, जिसको भी जो एक्सपीरियंस है 2 साल 6 साल 3 साल, वो बंदा कैंडिडेट्स जो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकता है। लोकेशन जैसे मैंने बताया बेंगलोर, 3-4 लोकेशन में रिक्वायरमेंट आया हुआ है। 25,000 सैलरी स्टार्टिंग रहेगी, रहना खाना फ्री रहेगा, टाइमिंग उनका अलग रहेगा क्योंकि 2 से 3 जो शिफ्ट चलता रहता है होटल में, तो शिफ्ट के हिसाब से उनका टाइमिंग रहता है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसको कंप्यूटर का नॉलेज है, इसके अलावा स्टीवर्ड्स, जिसको स्टीवर्ड्स में जो है काम किया हुआ है, इसके अलावा स्विगी जोमैटो का जो ऑनलाइन ऑर्डर्स रहता है, उनका जो बिल वगैरह बनता है, वो स्लिप निकालना रहता है, तो उसके लिए भी जो है कैंडिडेट्स चाहिए, वो लोग भी जो है चाहिए तो अप्लाई कर सकता है। उनकी सैलरी रहेगी 14 से लगाकर 16,000 तक, प्लस रहना खाना फ्री। इसके अलावा जो बल्क में रिक्वायरमेंट है क्लाउड किचन में, जो परमानेंट काम करना चाहता है क्लाउड किचन में, जो मिनिमम 10th पास है, जिसको हल्का सा इंग्लिश आता है,
उसकी जो है क्लाउड किचन में सैलरी रहेगी प्रेजेंट टाइम जो है 10,500 प्लस, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री रहेगा। वहाँ पे क्लीनिंग का काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको फूड पैकिंग का काम है, खाना पैक करने का काम रहेगा। मैंने ये वीडियो जो है कई बार जो है सॉरी 2 से 3 जो है अपलोड किया हुआ ऑलरेडी, अलग अलग लोकेशन का, अलग अलग जो है कंपनी का। प्रेजेंट टाइम में इसमें जो रिक्वायरमेंट है 100 से 200 बंदर लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये कंपनी जो है डायरेक्ट हम लोगों से ही डील करती है और ऑल ओवर बेंगलोर में ब्रांचेस है इसकी। तो नहीं नहीं मान के चलिए 100 से 200 लड़के लोगों की रिक्वायरमेंट रहे, 10,500 PF ESI काट के इन हैंड सैलरी आएगा। सैलरी टाइम टाइम जो रहता है एग्जैक्ट जो है आपका 5 तारीख को इन अकाउंट सैलरी आ जाता है। रहना खाना बिल्कुल फ्री रहेगा, 9 से 10 घंटा जैसा रहता है वैसा जो है ड्यूटी रहेगा और हफ्ते में एक छुट्टी रहेगा। इसके अलावा थर्ड काम जो रहेगा वो रहेगा आप लोगों के लिए सिक्योरिटी गार्ड में। सिक्योरिटी गार्ड में जो है अभी प्रेजेंट टाइम फैमिली वाले के लिए ऑप्शन नहीं है, फीमेल के लिए ऑप्शन नहीं है, ओनली सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट है, जिसकी सैलरी 14,000 से है और प्लस ESI PF है। रहने के लिए रूम कंपनी देगा, ड्यूटी जो रहेगा 12 घंटा रहेगा, छुट्टी इसमें नहीं है, हॉलीडे नहीं है इसमें, और OT चाहिए तो जितना चाहा मिल सकता है आप लोगों के लिए। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से जो है 50 तक रिक्वायरमेंट है इसमें, लेकिन ये कि कोई भी लैंग्वेज चलेगा, और लेकिन ये है कि हम लोग फ्री में काम देते हैं और इसमें कोई चार्जेस नहीं है। काफ़ी सारी कंपनियां सिक्योरिटी कंपनी जो है चार्ज लेती है पहले आपसे 1200 1300 1400 रुपये, लेकिन आप लोगों के लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा पिकिंग पैकिंग का काम ब्लिंक किट में ग्रोसरी प्रोडक्ट में रहेगा। ग्रोसरी प्रोडक्ट मीन्स ये रहता है कि दाल चावल जो खाने पीने का सामान रहता है उसमें रहेगा। उसकी सैलरी स्टार्टिंग जो है 8 घंटे की 16,000 रहेगी फ्री, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जॉब छोड़ के काम आपके लिए फ्री मिलेगा, काम का कोई भी चार्ज नहीं है। रूम इसमें नहीं है, रूम देगा कंपनी लेकिन 1200 से 1300 रुपये डिडक्शन करेगा आपकी सैलरी में से। खाना पीना सेल्फ कुकिंग है, एक टाइम खाना जो है कैंटीन में कंपनी की तरफ से मिलेगा, जिसका चार्ज जो है 15 रुपये पर जो है टोकन के हिसाब से लिया जाता है आप लोगों से। एज लिमिट की बात करो तो 18 से लगाकर 30 ईयर्स लास्ट चाहिए इसमें रिक्वायरमेंट है। लोकेशन जो है बेंगलोर हैदराबाद एंड चेन्नई लोकेशन में रिक्वायरमेंट है अभी प्रेजेंट टाइम में। इसके अलावा तमिलनाडु कोयम्बतूर का जो मैंने जॉब डाला था वो अभी थोड़ा फुल हो चुका है, थोड़ा सा वैकेंट है, उसके लिए भी बंदे लोगों की रिक्वायरमेंट है। हॉर्लिक्स पैकिंग का जैसे मैंने बताया कि 15,000 सैलरी, 12 घंटा ड्यूटी रहेगा, छुट्टी नहीं है, PF काट के वो हैंड सैलरी आएगी, रूम आपको फ्री देखने को मिलेगा। तो गैस इतना जॉब जो रहता है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायरमेंट है। फीमेल के लिए कपड़े की फैक्ट्री में गारमेंट्स का जॉब रहेगा, जिसकी सैलरी 12,000 रुपये रहेगी, रूम कंपनी की तरफ से फ्री रहेगा, PF काट के आपको जो है 12,000 इन हैंड देखने को मिलेगा। जो है लड़की लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटी के साथ में CCTV कैमरे के साथ में जो है PG की व्यवस्था रहती है, जो बिल्कुल फ्री रहती है। गाइस उम्मीद करूंगा कि आप जो है कॉलिंग का टाइम अपना जो है 9 बजे से लगाकर शाम के 5 बजे तक ही रखेंगे, रात के 11-12 बजे कॉल नहीं करेंगे, इतना तो आप समझदार है ही हैं, मुझे पता है। और अगर आप हम लोग से जुड़ना चाहते हैं रात में, या फिर आपको टाइम नहीं मिलता है दिन में, तो आप पहले जो व्हाट्सएप कर सकता है सर कैन आई कॉल यू, या फिर कन्नडा में भी टाइप करके भेज सकता है सर नन फोन माडला इवगा फ्री इधर सर ननगे मध्यान टाइम सिकता इला अंता, रात में जो है आप जो है पहले मैसेज करें या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हम लोगों से चैट करके जुड़ सकते हैं। गाइस जितनी भी जॉब है आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है, बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है। देखिए काफ़ी सारी कंपनी जो है ना अपने आप को, अपने कंपनी को जो है ना पता नहीं किस किस से कंपेयर करने लगती है। बड़े बड़े जो है आई ब्रांड एप्पल फोन से कंपेयर करने लगती है, बड़े बड़े मतलब किन किन बड़ी कंपनियों से कंपेयर करने लगती है, जबकि इतनी सी छोटी है वो। क्या हम लोग चार्ज नहीं लेते हैं दूसरों की तरह है, उनकी तरह हम लोग काम फ्री में देते हैं। अगर जो हम लोगों ने वीडियो अपलोड करते हैं, हम लोग जो वीडियो डालते हैं ना जो है जॉब्स का, वही वीडियो अगर वो लोग डाले तो 100% जो है वो चार्ज करेंगे ही करेंगे। फ्रेंड्स
फ्री जॉब है उसका अच्छा सा लाभ लीजिए, अच्छे से ज्वाइन कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, आइए। आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री जॉब रहता है और टाइम पास के लिए कॉल नहीं करें। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, दिन में 100 से 200 कॉल आते हैं, लेकिन जो है शाम तक 8 से 10 बंदे ही ज्वाइन हो पाते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि गाइस टाइम पास के लिए कॉल नहीं करें। हाँ, इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो आ सकते हैं। लेकिन आज आ रहा हूँ सर, कल आ रहा हूँ सर, जो है मैं आज बैठ रहा हूँ गाड़ी में, कल बैठ रहा हूँ, ये सब काम नहीं करें। क्योंकि एक 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 मिनट हम लोगों का जो है कीमती होता है। जो टाइम हम लोग आपको देते हैं, वही टाइम अगर हम लोग दूसरे कैंडिडेट्स को दिया जाए तो उनको भी फायदा होता है, हम लोगों को भी एक कैंडिडेट्स मिलता है अच्छा खासा। एनीवे गाइस, बहुत ही अच्छी जॉब अपडेट थी आप लोगों के लिए। हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक और अच्छी जॉब अपडेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।